मैं हमेशा से ना ये बात करता हुआ आया हूँ कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, एक्स क्रिकेटर्स, उनको चीज़ों चीज़ों का पता होता है। ऑब्वियसली यार एक्सपोजर बड़ा होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती है तो चीज़ों चीज़ों का पता चल जाता है। ये अच्छी खासी डिसेंट किस्म की बात करने की कैपेबिलिटी रखती है, मीडिया पर करते क्यों नहीं है? उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें सारी गेम TRP की आ जाती है। अपना अकमल, ये अपने बड़े भाई जो हैं कामरान अकमल, उन्होंने ना एक रीसेंट मीडिया सेशन किया और उसमें उन्होंने बात की है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट, IPL, PSL, और मेरा ख्याल है कि कामरान अकमल की शायद ही कोई ऐसी बात हो कि जिससे आप डिसएग्री कर सकें। मिसाल के तौर के ऊपर कामी भाई ये कहते हैं कि जनाब BCCI के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, और ये हर कोई जानता है कि अगर बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिज्यूम करती है, यानी कि दोबारा से शुरू होती है, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की जैसे ही क्रिकेट बहाल होगी तो उसमें डेफिनेटली IPL आ जाएगा, कि IPL में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए या ना रखा जाए, और उसमें फिर ज़्यादा भाव उस तरफ चला जाएगा कि यार IPL में भी रखें, बायलैटरल सीरीज़ तो आपने खेलनी शुरू कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी IPL में डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए, वो जो नहीं जाते वो भी एंड हो जाएगा। अच्छा, प्लस उन्होंने कहा कि चले अगर आप IPL में नहीं भी खिलाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को IPL में मत लें, पाकिस्तान के पास अपना एक ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, उन लाइंस की तरफ हम जाने की जिसे कहते हैं हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए उन लाइंस को रहने देते हैं, आप अपनी IPL कराएं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपनी PSL खेलेंगे, अल्लाह लाते खैर सल्ला। मतलब जो कहते हैं ना, वो होता है ना कि यार नहीं PSL IPL इनका कंपैरिजन एंड ये वो, उस पे कामरान भाई ने कहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कामी भाई ने, कि यार इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, फाइनेंसेस, एक्सपोजर, स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, उसकी एक ओवरऑल हाइप, वो कितनी बड़ी मंडी है IPL, उसमें किसी को कोई जिसे कहते हैं ना वो शक शुबा नहीं है। IPL दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, सारी दुनिया जानती है, लुक्रेटिव है, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत कुछ है, जिसे कहते हैं कि IPL ना आपकी अगर जेबें भरती है ना तो आपको सिखाती भी बहुत कुछ है, एज ए क्रिकेटर रुथलेस भी बहुत ज़्यादा है। IPL में ये हिसाब है कि आपको ऑलमोस्ट हर सीज़न परफॉर्म करना पड़ता है, तो आपका ना जो बेंच मार्क है ना अपनी फिटनेस का, अपनी जिसे कहते हैं फॉर्म का, अपनी टेक्निक का, वो आपको हर साल ऊपर लेकर जाना पड़ता है, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ कंपेटिटिव क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, ये फैक्ट है। और इसमें IPL PSL तो छोड़ दें, दुनिया की जितनी बाकी लीग्स हैं उसमें टॉप पर है और वो नज़र भी आता है, ठीक हो गया, तभी तो सारी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो IPL में दौड़ दौड़ कर आते हैं। तो कामी भाई ने कहा कि ठीक है आप IPL कराएं, उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को मत लें, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज़ है ना, जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट है, उसको कंटिन्यू करें, वो बहुत ज़्यादा मिस की जाती है, वो जिसे कहते हैं कि क्योंकि कामी भाई तो उन लोगों में से है ना कि जिन्होंने ये क्रिकेट खेली है और जिसे कहते हैं ना दबा कर खेली है। कामी भाई ने 2005 में, 2007 में, 2013 में इंडिया के टूर्स किए हुए हैं। 2005 और 7 तो आपको याद होगा, 2013 का भी टूर खैर इतना कोई कम इम्पोर्टेंस वाला नहीं था। अच्छा, 2004 और 2006 में टीम इंडिया पाकिस्तान आई, उन होम सीरीज़ में भी कामी भाई जिसे कहते हैं पार्ट थे पाकिस्तान टीम के, तो टेक्निकली कामी भाई ने इंडिया के अगेंस्ट जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो 5 खेली हुई हैं। तो ही नोज़ कि यार इन सीरीज़ की, इन मैचेस की क्या हाइप होती है, क्या इनका टेम्परामेंट होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर। एक ज़माना था चूँकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ रेगुलर खेलते थे, तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के बारे में कहा जाता था कि दे मेक हीरोज, दे मेक ज़ीरोज, या तो ये मैच आपको हीरो बना देगा या ये मैच आपको ज़ीरो कर देगा। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता था कि या तो ये एक मैच पाकिस्तान इंडिया का आपका कैरियर बना देगा या आपका कैरियर खा जाएगा, और बड़े बड़े ऐसे हैं कि जिनका कैरियर इन मैचेस ने खाया है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का आपको पता है पूरी पूरी नेशंस एक सपोर्ट कर रही होती हैं, और दोनों जिसे कहते हैं मुल्कों में क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक, पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हालातों वाक़ियात की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है क्रेज़, जो साफ सी बात है, लेकिन इंडिया में तो क्रेज़ उसी तरीके से कायम दायम है। उसकी रीज़न यह है कि उनकी टीम परफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर रही है, पाकिस्तान की टीम उस लेवल पर परफॉर्म कर रही होती तो पाकिस्तान में भी क्रेज़ जूं का तू कायम रहता, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो इस वजह से लोगों ने इनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया।
इंडिया में वो इंटरेस्ट 100% एज इट इज़ कायम है। तो मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि यार जैसे कामी भाई ने कहा कि पॉलिटिक्स को साइड पे करें, नफ़रतों को साइड पे करें, ये जो इस किस्म के सारे मामलात हैं इनको साइड पे करें, क्रिकेट को एटलीस्ट रिज्यूम करें। और क्रिकेट से आपको फ़ायदा यह है कि आपको बड़ी इंटेंसिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे। आप हर साल हर एक साल बस एक बायलैटरल सीरीज़ कर दें बहुत है, बेशक वो तीन तीन मैचेस की हो जाए। आप यूँ कर लें कि एक दो टेस्ट मैचेस कर लें, एक दो तीन एक ओडीआईज कर लें, तीन एक टी20s कर लें। ये इस तरह का स्केड्यूल बनाना मेरा नहीं ख्याल कि BCCI के लिए, PCB के लिए या ICC के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, बनाया जा सकता है। बायलैटरल सीरीज़ के ना उससे फ़ायदे बहुत होंगे कि आपका ना जो जिसे कहते हैं कि टैलेंट पूल मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है ना, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जो प्रेशर के अंडर हैंडल कर जाता है वो फिर भाई साहब बड़ा प्लेयर ही बनकर निकलता है। अब आप ये देखें ना, इंडिया के ना इससे पिछली जनरेशन के जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े बड़े नाम, मैं बात कर रहा हूँ 2008 से ऑनवर्ड्स आने वालों से पीछे पीछे, उनमें जितने बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट खेली भी और परफॉर्म किया हुआ है, और इसी वजह से वो बड़े प्लेयर्स बने हैं। बीट, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गंगुली, राहुल द्राविड, VVX लक्ष्मण, MS धोनी, युवराज सिंह, यू नेम इट, ये वो लोग हैं जिन्होंने रेगुलर क्रिकेट खेली, बायलैटरल सीरीज़ खेली हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और इन्होंने इंटेंस प्रेशर वाले मैचेस में परफॉर्म किया, बड़े खिलाड़ी बन गए। बड़े खिलाड़ी अगर आपने बनाना है तो इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, बट एट दी एंड बात वो ये कि कामरान अकमल की बातों से कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। बातें उन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की, इंडियन क्रिकेट के बारे में बात की, पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल सीरीज़ के बारे में बात की, PSL, IPL, सारी बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं कि चलो ठीक है, IPL को साइड पे कर दें, PSL को साइड पे कर दें, लेकिन बायलैटरल तो थोड़ी बहुत ही शुरू करें ना। और वो 2013 में स्टार्ट हुई थी ना, 12-13 में एक कोशिश अच्छी की गई थी, लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट कराई गई थी, तो वो एक अच्छा जिसे कहते हैं जेस्चर था। पाकिस्तान की टीम ने टूर किया था इंडिया का, तो वो एक अच्छा जेस्चर था और वो होना चाहिए, मेरे नज़दीक वो होना चाहिए। मेरा इंडिया की जो मौजूदा सरकार है उसको इस बारे में सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।